All right, Taco Bell it is. यार by the way मुझे seriously नहीं पता था कि Taco Bell का इतना ज़्यादा diverse menu है. I mean यार अगर आप लोग मुझे पहले ही बात बता देते ना तो अब तक ये challenge मैं वैसे ही कर चुका होता. But anyway आज मैं बहुत सारे टाको खाने वाला हूँ, आज मैं बहुत सारे burrito खाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना and let's go. अरे वाह यार क्या हवा चल रही है. गाइज एक सेकेंड. हाँ तो भाई ब्रेकफास्ट इज हेयर और ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया है बिग बेल बॉक्स और उसके अंदर मुझे मिला है एक बुरीटो, एक टाको, एक ड्रिंक, मैंने इसमें पेप्सी चूज़ किया है और मुझे मिला है सिनेमन ट्विस्ट. यार वैसे ना मतलब इस बॉक्स के अंदर चीज़ें तो बहुत हैं पर जब मैंने इनकी पोर्शन क्वांटिटी देखी ना तब मुझे लगा यार इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला एंड आई रियली नीड टू ऑर्डर वन मोर थिंग. तो मैंने नेकेड चिकन टाको भी ऑर्डर कर दिया विच सीम्स टू बी वेरी टेम्पटिंग. मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ. नाउ लेट्स क्विकली अनरैप आवर ब्रेकफास्ट. और हाँ बिग बेल बॉक्स में साथ में मैक्सिकन फ्राइज भी हैं. यार इन्होंने ना लिटरली मुझे इस ब्राउन पेपर बैग के अंदर ऐसे ही फ्राइज डाल के दे दिए हैं. दिस इज नॉट सो कूल. हाँ तो ये शशके हैं मैक्सिकन फ्राइज के. जितना मुझे दिख रहा है भाई फ्राइज के ऊपर इन्होंने काफी सारा पेरी पेरी मसाला डाला हुआ है और ओह या सी देख के तुम्हारा भाई पहचान जाता है दिस इज पेरी पेरी मसाला. ठीक है यार पैकिंग बुरी है पर टेस्ट बुरा नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है. और यार नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको. ऑलराइट दिस हैज टू बी बुरीटो. ओह या दिस इज द बुरीटो. पर यार दिस सीम्स टू बी लाइक यार ये बुरीटो डाइटिंग पे है. मतलब सच में ऐसा लग रहा है मुझे. इसको मैं ऐसे टेस्ट नहीं करने वाला, इसको मैं इनकी सॉस के साथ टेस्ट करूंगा. दिस इज द फायर सॉस जिसके ऊपर लिखा है मैरी मी. ऑलराइट बॉयज आई एम ऑल सेट टू डिग इन. गाइस इनकी सॉस बहुत स्पाइसी है यार. एंड चेक दिस आउट, इसके अंदर यार इन्होंने राइस डाला हुआ है, इन्होंने स्वीट कॉर्न डाला हुआ है और मुझे अनियन भी नज़र आ रहा है और बहुत सारा चीज़ है और इनकी कोई सॉस है. यार एक तो स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है, ऊपर से जब मैं स्वीट कॉर्न को च्यू कर रहा हूँ ना तो एक अजीब सा स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है. आई थिंक यही ब्यूटी है, यही फ्लेवर है इस बुरीटो का. ऑनेस्टली यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटल बेटर टेस्ट जो कि मुझे नहीं मिला. नाउ इट्स टाइम फॉर द शो स्टॉपर ऑफ द डे. भाई टाको के लिए ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ. And the first taco of the day. Check this out. भाई this is veg taco. और इसके अंदर इन्होंने lettuce डाला हुआ है, इसके अंदर इन्होंने cheese डाला हुआ है. I mean melted cheese नहीं है, it's just like इन्होंने डाल दिया इसके ऊपर. और टमाटर हैं अंदर, इन्होंने sauce डाली है. Oh there are chickpeas inside it. मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहे हैं नहीं, but chickpeas भी हैं इसके अंदर. यार पता नहीं क्यों ज़्यादा मज़ेदार वाला फ्लेवर नहीं आया. आई मीन सब कुछ मिक्सड हो रखा है यार. यार चिक पीस का अपना फ्लेवर आ रहा है, इस टाको की लेयर का अपना फ्लेवर आ रहा है और अंदर जो उन्होंने वेजीज डाली हैं उसका अलग फ्लेवर आ रहा है. बट द प्रॉब्लम इज ये सारे फ्लेवर ना अच्छे से अलाइन नहीं हो रहे तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया नहीं. कम ऑन टाको बेल, आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस. बट भाई अभी भी शो ख़त्म नहीं हुआ है, दो और चीज़ें बची हुई हैं. Now look at this. This must be good. This is the naked chicken taco. Why it is naked? I don't know. Well, let's find out. Oh, bhai. Yaar, मतलब taco को देख के मेरी expectations अपने आप बहुत बढ़ चुकी हैं. Just look at this. मुझे ऐसा लग रहा है जो इस ये taco का shell है that is made up of chicken and इसके अंदर काफी चीजें हैं. Lettuce तो है ही है, टमाटर है, चीज है. वेल वट एवर इट इज आई एम गोना डिग राइट इनटू इट नाउ. ओह वाओ दिस टाको इज हेल इंटरेस्टिंग. भाई रीजन ये है इसकी जो खबर है वो एकदम चिकन से बनी हुई है एंड दैट चिकन इज मतलब क्रिस्प नहीं है, जूसी है और जो इसका अंदर का फ्लेवर है वो तो यार आई लव इट. गाइस last but not the least these are cinnamon twisties. जब आप ऐसे crispies देखते हो ना
यू ओनली इमेजिन मसाला फ्लेवर इन इट, मतलब कोई मसालेदार या चटपटा फ्लेवर होगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भाई सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है और भाई ये बहुत सही लग रहा है यार। ऑनेस्टली आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट, थोड़े से वो क्रिस्प बच गए हैं, बाद में खा लूँगा उसे, मेरा पेट सच में अब ऊपर तक भर गया है। आई थिंक आराम से अब 2-3 बजे मुझे भूख लगेगी। अब भाई मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, और फ्रेंड से मिलने के बाद आई एम गोना गो टू मॉल, वहाँ पे भाई टाको बेल भी है और वहाँ पे जो मुझे सामान खरीदना है वो भी मिल जाएगा भाई। ओके, खुदा हाफिज। Are you guys all set for the lunch scene? आपका तो बता नहीं, मैं तो ऑल सेट हूँ। और भाई मेरे सामने आज की टाको बेल की स्प्रेड आप देख सकते हैं। भाई मैंने 2 tacos ऑर्डर किए हैं, 1 burrito ऑर्डर किया है, चूरोज ऑर्डर किए हैं, साथ में भाई ड्रिंक ऑर्डर करी है, एंड आई हैव ऑर्डर्ड द बुरीटो बाउल। और भाई साहब जस्ट लुक एट दिस, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग है ना ये। तो भाई एक एक करके सब कुछ टेस्ट करते हैं, फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, ठीक है? नो ऑफेंस, मुझे भी अपना पेट भरना है। गाइस आई एम गोना स्टार्ट विद नॉनवेज चालूपा टाको। एक्चुअली यार नॉर्मल टाको और चालूपा टाको के बीच में फ़र्क जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि इनका जो आउटर कवरिंग है, जो इनका शेल है, दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। और भाई इसके अंदर इसकी फिलिंग दिखाता हूँ आपको। ओहो हो, इसके अंदर भाई साहब चिकन है, इसके अंदर लेटस है, इसके अंदर चॉप्ड टमेटोज हैं, एंड बहुत सारा इन्होंने इसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है। एंड आई एम ऑल सेट टू डिग इन। अरे अरे अरे, एक तो यार जैसे आप बाइट लेते हो ना, ये लेटस और टमेटोज का इतना रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है, उसके बाद जब आप चिकन की बाइट लेते हो ना, ओए होए, द चिकन इज़ वेरी जूसी और चिकन के अंदर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। ऑन एंड ऑल आई लव दिस थिंग मैन। इसके नीचे इन्होंने कोई सॉस भी अपनी डाली हुई है, दैट इज़ प्रीटी गुड। इट इज़ डेंस, it has a little spice in it and it is awesome. What do we eat next? Let's go with the burrito. By the way, this is the tikka masala burrito. Iske andar yaar thoda sa spiciness ki intensity zyada hai, to isko to main side mein rakhne wala hu. Now I'm going to try the another taco. Main ab try karunga gordita cheesy veg taco. To maine ek non veg taco order kiya tha, ek veg. ओहो लुक एट दिस, इसके अंदर भी भाई लेटस है, इसके अंदर ओ वाओ, इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने पनीर डाला हुआ है, इसके अंदर कैप्सिकम है, और यार जो इसकी लेयर है ना, इसके अंदर एक वो क्रंची वाली टाको वाली लेयर है, एंड उसके ऊपर जो है दैट इज़ अ थिक लेयर जिसके अंदर इन्होंने दबा के चीज़ डाला हुआ है। ओ वाओ, आई लव द क्रंच, this is delicious. I think ये gordita taco मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, reason being इसके अंदर इन्होंने cheese sauce डाली हुई है। ओए होए होए, cheese sauce यार इतनी सही लग रही है ये, absolutely love the cheese sauce. अब भाई एक और चीज़ बच गई है, this is the naked burrito bowl. भाई इसका सीन कुछ ऐसा है, सबसे नीचे ना इन्होंने डाले हुए हैं मैक्सिकन राइस, उसके ऊपर इन्होंने डाला है चिकन, और फिर उसके ऊपर डाली है इन्होंने वेजीज, और उसके अंदर ऊपर उन्होंने डाली है थोड़ी सी सॉसेस, एंड देन इसको ऐसे मुझे सर्व कर दिया। नाउ आई एम गोना मर्डर दिस। अरे 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 यार मज़ा आने वाला है, मूवी डॉक्टर यार, इसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा था ये बहुत स्पाइसी होने वाला है, बट ऐसा सीन नहीं है ब्रो, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और चिकन इतना सारा डाला हुआ है ना इसके अंदर, हर बाइट के अंदर बहुत ज़्यादा चिकन आ रहा है, और राइस चिकन और साथ में रिफ्रेशिंग वेजीज, मज़ा आ गया। और मुझे कहना पड़ेगा भाई, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मेक्सिको की बिरयानी, तो मैक्सिकन्स ऐसी बिरयानी खाते हैं, एंड मुझे तो सच बात बताऊँ, मुझे मैक्सिकन की बिरयानी बहुत अच्छी लगी है। देखो भाई टेस्ट मैंने सब कर लिया है, वो हाँ अभी चूरोस बचे हैं, वो यार मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा, अब इसको आराम से चिल मार के एंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ आपसे सून, थोड़ा पेट पूजा कर लो। भाई खाना मैंने खा लिया है,
एंड बाय द वे दिस इज कुकी क्रम्बल शेक, बहुत थिक था यार और बहुत ज़्यादा मीठा है मेरे लिए। एंड बाय द वे स्वीट डिश के लिए ना मेरे पास है चूरोस विद चॉकलेट डिप, एंड यू गाइस नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट। आई लव चूरोस, लव इट गाइस। लंच मेरा बहुत फुलफिलिंग था, पेट ऊपर तक भर गया। अब थोड़ी सी और शॉपिंग करूँगा एंड देन आई एम गोना हेड ऑफ होम, एंड आई एम गोना सी यू एट होम। तो भाई डिनर में आज है चोकोडिला, मैक्सिकन कॉर्न सैलेड एंड नेकेड चिकन नाचोस। क्या नेकेड चिकन नाचोस? व्हाई द हेल दे आर नेकेड? ठंड हो रही है भाई, कपड़े पहना दो। मतलब तुषार भाई जोक तो थोड़े अच्छे मारा करो कम से कम। वेल ठीक है ना। हाँ तो यार पेट भरा हुआ है अभी भी, बहुत कुछ खाया मैंने सुबह भी दोपहर को भी, तो इतने में हो जाएगा। तो भाई साहब ये मेरे पास आया है और किसने खाना पैक किया है और उसका टेम्परेचर कितना था टाको बेल वाले ने सब बताया है। तो एंड एक एक करके दिखाता हूँ भाई सामान क्या क्या आया है मेरे पास। दिस इज द चॉकलेट कैसा, अरे फोकस कर, हाँ कैसा डिया, ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है रोटी के अंदर इन्होंने डेला डाल के दे दिया है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ यार, अब जो है तो वो है। इसको यार बाद में खाऊंगा बिकॉज ऑफकोर्स मीठा बाद में खाना चाहिए। यार इसमें कुछ तो है, आर दीज नाचोस? मतलब नाचोस की शेप में तो है बट आर दीज नाचोस? यार अगर मेरा कट गया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टाको बेल मैं शायद सेकंड बार खा रहा हूँ और जो भी पहली बार खाया था वो भी किसी और ने ऑर्डर किया था। सो ठीक है फिर, दिस इज द मैक्सिकॉन सैलेड। मतलब यार आप इतना सारा सैलेड मुझे दोगे तो यार मैं कैसे पचा पाऊंगा यार इसे, मैं खा कैसे पाऊंगा? दिस इज टू मच टाको बेल, नहीं हो पाएगा मुझसे। साथ में मुझे एक और चीज इन्होंने दी है, मतलब पैकिंग के शशके इन्होंने बहुत अच्छे मार रखे हैं पर भाई क्वांटिटी नाम की भी चीज़ होती है, समझ आ गया। आप लोग रेट कम है आपकी चीज़ों के बट इतनी तो दो पेट भर जाए। दिस इज चीज़ वाली सॉस जो कि हमने दोपहर में जो टाको खाया था उसके अंदर थी, भाई ये वही वाली है। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये अगर मिल जाए तो रोटी भी इसके साथ खाना ही, इतनी अच्छी है। तो दिस इज द सैलेड और भाई सैलेड के अंदर है मतलब यार ये सैलेड है क्या? ये तो भाई मुझे सिर्फ कॉर्न्स लग रहे हैं और उसके ऊपर आपने कोई मेयो डाली हुई है और फिर उसके अंदर आपने टमेटो डाले हुए हैं। ये सैलेड तो नहीं है, ये मतलब जो रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं ना जो आपको कॉर्न बेचते हैं ये वही है। तो सैलेड के नाम पे मैं कॉर्न खा रहा हूँ टाको बेल की सॉस में। भाई दिस इज द नेकेड नाचो, मतलब यार ये नेकेड तो कहीं से नहीं है। और बाय द वे वैसे तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने यार चिकन कटलेट को ट्रायंगुलर शेप में काटा और इसको ये यम वाली चीज़ मेयो के साथ सर्व कर दिया। ओहो देखो भाई कुछ भी कह लो भाई बढ़िया तो है। बहुत सारा सैलेड जो आया था वो मैंने खा लिया, वो जो नेकेड नाचोज आए थे बहुत सारे जो आए थे वो भी मैंने खा लिए। अब भाई बचे हैं चॉकलेट केसडिया, ओके नान के अंदर अगर आप चॉकलेट डाल के खाओ मैं सब लेवर है। आज का मेरा हो गया सारा। आई रियली होप यू लाइक द चैलेंज एंड आई डेफिनेटली लाइक टाको बेल। मतलब मुझे नहीं पता था भाई इनके मेन्यू में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप मुझसे कहो कि तुषार मेक अ वीडियो ऑन टाको बेल लाइक डूइंग द होल मेन्यू ऑफ टाको बेल, तो
मत कहना यार, खाम खाम मैं बर्बाद हो जाऊंगा सच में, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, ये पता नहीं कितने हजारों में बिल आ जाए। एंड आई रियली होप यू लाइक द वाइब एंड यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग मी ईटिंग टाको बेल, और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई मस्त मस्त खाने की पिक्चर्स आती हैं, खाने की वीडियोज़ आती हैं और रेसिपी वीडियोज़ आती हैं और हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स भी आते हैं। तो यू गाइज नो व्हाट टू डू, जस्ट डू इट नाउ, जस्ट स्मैश द फॉलो बटन, या दैट्स इट, आई एम गोना सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।